मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट, अगेन टुडे वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक अबाउट टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ द क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। बच्चों, हमारा न्यूट्रिशन एनिमल चैप्टर नंबर 2 चल रहा था आप लोगों के, और मैंने आप लोगों को काफी सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन प्रीवियसली यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। आज के जो क्वेश्चन जो चलेंगे, आई होप आप लोगों ने पुराने वीडियो देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर अच्छे से एक बार पुराने वीडियो देख लेना। मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है क्लास 7 के लिए, आप लोग उस पर जाकर सर्च कर सकते हो। आपको एक एक क्वेश्चन का इजीली आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो बच्चों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो होगा हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर नंबर 2, ओके, और साइंस सब्जेक्ट, और साइंस सब्जेक्ट का होगा आप लोगों का, ध्यान से सुनना। और साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 के हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व्ड इन। मैंने आपको बच्चों बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो एकदम से कम्प्लीटली नहीं होगा, उसके साथ में बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बच्चों, उसके अंदर एलिमेंट्री कैनल और प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड यानी ऑर्गन और ग्लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसी को हम लोगों को इसमें अप्लाई करना है कि आप लोगों को यह बताना है कि कौन सा पार्ट डाइजेस्टिव कैनल का या एलिमेंट्री कैनल का इन चीजों को करने में मदद करता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर यह बताया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, खुद से दिमाग लगाना। और मेरे पुराने वीडियो अगर देख रखे हैं तो आपको एक एक चीज एक एक आंसर यहां पर खुद से पता चल जाएगा कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, मैंने आपको बच्चों बताया था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है वो डाइजेस्टिव कैनल या डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट प्ले करता है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बच्चों मैंने आपको बताया था, तो आप लोगों का आंसर यहां पर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि एब्जॉर्प्शन करने का जो काम है फूड को एब्जॉर्ब करना यानी कि उसको सोखना, उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट उसको खींचना, उसका काम होता है, वो काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, च्यूइंग ऑफ फूड, तो च्यूइंग ऑफ फूड का मतलब होता है चबाना। अब देखो आप लोग खुद से दिमाग लगाओ, आप लोग जो फूड इंटेक करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, इंजेशन करते हैं, तो बकल कैविटी में करते हैं, हमारी जो ये ओरल कैविटी होती है, तो ओरल कैविटी में ऐसे क्या है जो च्यूइंग करने में मदद करेंगे, हमारे टीथ। तो टीथ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा डाइजेस्टिव कैनल में यानी कि कौन सा पार्ट होता है डाइजेस्टिव कैनल का, तो वो होता है बकल कैविटी, या आप लोग बोल दीजिए बकल कैविटी को मैंने आप लोगों को बताया, तो बच्चों इसको ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं। आप लोगों को दोनों आंसर करेक्ट होंगे अगर आप लोगों ने कोई भी लिख करा होगा तो। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, मैंने आपको बताया था बच्चों जो भी अब लोग फूड के साथ में मिक्स हो गए, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। बैक्टीरिया क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जनरली आपको से दिखाई नहीं देते लेकिन फिर भी वो एंटर कर जाते हैं, ठीक है ना। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोलो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया चल गया। अब बैक्टीरिया को किलिंग करने का काम कौन करता है, तो यानी कि यहाँ पर डाइजेस्टिव कैनल का कौन सा पार्ट होगा जो बैक्टीरिया को किल करेगा या बैक्टीरिया को मारेगा या उसकी ग्रोथ को कम कर देगा, तो वो होता है HCl। आप लोगों को बताओ तो वो केमिकल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो उसका नाम बताना आप लोगों को, HCl प्रेजेंट होता है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है स्टोमक। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा स्टोमक, क्योंकि स्टोमक के अंदर बैक्टीरिया को किल करने के लिए केमिकल होता है जिसको बोलते हैं HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला ले लेते हैं कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का कंप्लीटली डाइजेशन कहाँ हो जाता है बच्चों, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। फूड का कंप्लीटली डाइजेशन कहाँ हो जाएगा वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे फूड एब्जॉर्ब हो जाता है वो कंप्लीटली डाइजेस्टेड माना जाता है, तो आप लोगों का जो फर्स्ट का जो आंसर लिखा था एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड और डाइजेशन ऑफ फूड, ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर होंगे। तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड का आंसर भी कहाँ हो जाएगा आप लोगों का, अच्छा सॉरी बिल्कुल सही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा, ठीक है बच्चों। तो यानी कि एब्जॉर्प्शन करने का भी काम और कंप्लीटली डाइजेशन करने का भी काम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अगला ले लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ फिशेस। फॉर्मेशन ऑफ फिशेस का मतलब ये होगा जो आप लोगों के अन डाइजेस्टेड प्रोडक्ट जो थे वो फिशेस कहलाते हैं। ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं जो कि रेक्टम से और एनस के थ्रू टाइम टू टाइम या रेगुलरली आप लोग बोल दीजिए पास आउट होते रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये अनवेस्टेड थे, आप लोगों की अनडाइजेस्टेड थे, आप लोगों की बॉडी में डाइजेस्ट नहीं कर पाए आपका, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आप लोगों को बताना चाहिए फॉर्मेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन। आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ कौन सा पार्ट होगा, वो होगा लार्ज इंटेस्टाइन।
एक बार जल्दी से इसको नोट आउट कर दो, जल्दी से इसको एक बार नोट आउट कर दो, वीडियो को पॉज करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। आज आप लोगों को सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ओके, जल्दी से इसको कर दीजिए। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को एक्सरसाइज में दिया हुआ है, वो ये है, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। यानी कि आप लोगों को एक तो सिमिलरिटी बतानी है और एक डिफरेंस बताना है, ठीक है ना। सिमिलरिटी और डिफरेंस दोनों बताने और ओनली वन वन बताना है, किसके बीच में, अमीबा के बीच में जो यूनिसेलुलर होता है वो, और एक बताना ह्यूमन बीइंग में। डिफरेंस उनकी फिजियोलॉजिकल यानी उनके बॉडी के हिसाब से नहीं बताना है, उनमें न्यूट्रिशन के बेस पर बताना है आप लोगों को, ठीक है ना बच्चों, कि उनमें किस तरह का न्यूट्रिशन होगा। तो सिमिलरिटी क्या है और डिसिमिलरिटी क्या है, तो इसका आंसर हम लोग करते हैं बच्चों। हम लोग सबसे पहले सिमिलरिटी को करते हैं, सिमिलरिटी यानी इन दोनों में एक समानता क्या है न्यूट्रिशन बेस पर लेकर। तो सिमिलरिटी हम लोग यहां पर लिखेंगे ह्यूमन बींग्स और यहां पर लिखेंगे हम लोग अमीबा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस करना है। अब सिमिलरिटी क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि दोनों में जो सिमिलरिटी होती है वो होलोजाइक होती है। होलोजाइक मतलब ये हो गया कि वो दूसरों के फूड को खाते हैं और इनमें डाइजेस्टिव कैनल्स वगैरह इस तरह का एक सिस्टम होता है, मतलब कहने का मतलब ये हो गया ये यूट्रोट्रॉपिक होता है, यानी अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो दोनों में न्यूट्रिशन का जो मूड होगा वो दोनों में सिमिलर है, यानी आप लोग ऐसा लिख सकते हो द बोथ आर होलोजाइक, ह्यूमन बीइंग आर होलोजोइक। आप लोग इसको होलोजोइक या हेटरोट्रॉपिक भी बोल सकते हो, होलोजोइक न्यूट्रिशन। और अमीबा में भी कैसा होगा, सिमिलरिटी बताएंगे ना, तो अमीबा में भी एक ही होगा, अमीबा ऑल्सो होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसमें भी ये न्यूट्रिशन पाया जाता है। ये तो हो गई है सिमिलरिटी। अब डिसिमिलरिटी का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि इन दोनों में डिफरेंस भी बताना है आप लोगों को, एक एक डिफरेंस बताना। तो देखो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस ह्यूमन बीइंग यहां पर लिख दीजिए और यहां पर आप लोग अमीबा लिख दीजिए, तो दोनों में डिफरेंस पता, डिफरेंस बताना है। तो ध्यान से सुनना, इसके अंदर जो फूड लेने का जो सिस्टम होता है, यानी हम लोगों में ह्यूमन बीइंग में जो फूड लेने का जो सिस्टम होता है वो होता है इंजेशन का, यानी हम लोग बकल कैविटी से लेते हैं। हम लोग जो फूड है वो इंटेक कैसे करते हैं, बकल कैविटी। तो आप लोग लिख दीजिए फूड इंटेक बाय बकल कैविटी। आप लोगों के बकल कैविटी होती है, हमारे तो अंदर बकल कैविटी होती है, हम लोग ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में है, तो बकल कैविटी के थ्रू हम लोग इंजेशन करेंगे, फूड को इंटेक करते हैं, जबकि अमीबा में ऐसा नहीं होता। फूड इनटेक बाय सुडोपोडिया, मैंने आपको बताया था, देखो सुडोपोडिया, सुडोपोडिया का मतलब ये हो गया, सुडो का मतलब हो गया फॉल्स और पोडिया का मतलब हो जाता है फीट, यानी इनमें झूठे पांव होते हैं और इन पांव से ये आगे की तरफ मुंह करता है और फिर अपने फूड को इनटेक करने की कोशिश करता है, जबकि ह्यूमन बीइंग में ऐसा नहीं होता। अपन लोग तो हाथ से लेते हैं फूड और डायरेक्ट बकल कैविटी में डाल देते हैं। तो ये सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी हो गई, एक बार जल्दी से इसको नोट आउट कर दीजिए, हम लोग आगे चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। जल्दी से नोट आउट कीजिए, ओके बच्चों। कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए डाले हैं जो कि बहुत ही इजी है, अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट होगा तो मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोगों को होमवर्क में मैंने जो क्वेश्चन डाले वो देख लीजिए, एक तो डाला है मैथ अकॉर्डिंग, तो आप लोगों की एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 ही है आप लोगों का, बहुत इजी है वो भी, लेबल फिगर 2.11 ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी आप लोगों को फिगर दे रखा है ऑटोमेटिकली आप लोगों को पूरा का पूरा बुक के अंदर आप लोगों को उसको लेबल करना है, और ये काम बुक में ही करना है, ये वाला काम बुक में करना है और ये वाला काम आप लोगों को बुक में करना है, यानी ये आप लोगों को दोनों को बुक के अंदर करना है। जो भी मेरे प्यारे बच्चे हैं वो ध्यान में रखें, इन दोनों को आप लोगों को बुक में मेंशन करना है पेंसिल से, ठीक है ना। आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो, फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती हो, जनरली कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं जरूर उसको सॉल्व करूंगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसको मैं सॉल्व करूंगा एक्सरसाइज में, ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का बच्चों, इसको भी फाइनल कर देते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को ले लेंगे। देखो
कैन वी सर्वाइव ओनली अ रॉ लीफी वेजिटेबल्स ग्रास डिस्कस। क्या हम लोग जो है वो सिर्फ रॉ वेजिटेबल्स या लीफी वेजिटेबल्स को खाकर ही या ग्रास को खाकर ही जिंदा रह सकते हैं क्या? हम लोग अपनी बात कर रहे हैं यानी ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो ह्यूमन बीइंग क्या ग्रास ईटर एनिमल्स की तरह या रूमिनेंट्स एनिमल्स की तरह क्या सिर्फ ग्रास खाकर या सिर्फ रॉ वेजिटेबल्स खाकर ही जिंदा रह सकते हैं क्या? तो हमारा क्लियर आंसर होगा बच्चों यहाँ पर नो। हम लोगों को फ्राइड फूड चाहिए, हम लोगों को वैरायटी चाहिए, तो हम लोग डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। हम लोग ग्रास नहीं खा सकते, हम लोग कच्चे फ्रूट्स नहीं खा सकते या डायरेक्ट लीफी वेजिटेबल्स नहीं खा सकते। वो क्यों नहीं खा सकते हैं? उसका रीजन ये है कि उनमें सेलुलोज होता है और सेलुलोज जो होता है वो हम लोगों की बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए सर्टेन बैक्टीरिया चाहिए और वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एब्सेंट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर लिख देना आप लोगों को, नो वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली अ रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय या मैं लिखूंगा ह्यूमन बीइंग की जगह पर अस, क्यों हम लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हम लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते बहुत है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं आज का वीडियो, यही एंड होता है बच्चों। हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, चैप्टर फिनिश हो गया आप लोगों का, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसको जल्दी से आप लोग मेंशन कर देना, कॉपी में नोट आउट कर देना। ओके, थैंक यू।